वेलकम बैक टू चैनल गाइस। आज फिर एक हम नई वीडियो के साथ आ चुके हैं। देख लीजिए पहले लोकेशन बहुत ही कूड़ा कबाड़ा हो चुका है। हमारे यहाँ जब राजकोट में मोदी जी आए थे तब का ये फंक्शन का सब कूड़ा पड़ा हुआ है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। देख लीजिए आज मैं फिर एक नई कार दिखाने जा रहा हूँ, उसकी चाबी आप पहले देख लीजिए कौन सी कार है। टाटा की कार है, दिख रही है ना, देख लीजिए टाटा की कार है। टाटा की एसी है, लॉक अनलॉक और लाइट जलाने का टाटा देती है, वो सब इसमें दिया गया है। और ये देख लीजिए फ्लिप वाली की है, गाड़ी बहुत ही मस्त है। नेक्सॉन आपने कहीं देखी नहीं होगी, ऐसी नेक्सॉन कार है। हमने जो हमारी चैनल में नेक्सॉन पहली बार आ रही है, तो आइए मैं आपको कार दिखा देता हूँ। तो ये हमारी कुछ नेक्सॉन कार है, आपने ऐसी कार देखी नहीं होगी। पहले तो आपको पता भी नहीं चल रहा होगा नेक्सॉन कार है या कौन सी कार है। ये दो मिनट तो हमको सोचने में लगता है कि कौन सी कार है ये। देख लीजिए पूरा चेंज हुआ गया है, आप आगे की ग्रिल है, अलॉय व्हील है। मैं सब कुछ बताने वाला हूँ भाई ने कौन सा काम कराया हुआ है और इस मॉडिफिकेशन के पीछे क्या क्या सामान लगा है और कितने का पड़ा है। मैं टोटल ओवरऑल खर्चा भी आपको बता दूंगा कि खर्चा इसमें टोटल क्या आया है। तो इस कार को बनाने में भाई को बहुत ही समय लगा है और भाई ने बहुत ही सोच समझ के और रिसर्च करके पूरा मॉडिफिकेशन किया है। और ऐसा मॉडिफिकेशन किया है कि जो नॉर्मल लोग होते हैं वो भी करा सकते हैं, कोई एक्सट्रीम लेवल की मॉडिफिकेशन भाई ने नहीं की है। आगे भाई ने क्या क्या कराया हुआ है, आपको ये जेट ब्लैक दिख रहे होंगे, लेकिन जेट ब्लैक कांच नहीं है बे, और हम वो रिकमेंड भी नहीं करते है। ये थोड़ा धूप की वजह से थोड़ा ऐसा लग रहा है और हम 2 बजे ये शूट कर रहे हैं इसीलिए धूप थोड़ी ज़्यादा है। ऐसा लुक आ रहा है फ्रंट में, भाई ने ये ग्रिल बदलाई हुई है, देख लीजिए चेंज की है पूरी ग्रिल आके। ये चेंज है ग्रिल, यहाँ पे एलईडी लगी हुई है, प्रोजेक्टर देख लीजिए, प्रोजेक्टर भी है, प्रोजेक्टर में भी एलईडी लगाई हुई है। यहाँ फ्रंट में एलईडी है, उसकी कंपनी एलियंस है, देख लीजिए ये प्रोजेक्टर है, इसमें भी प्रोजेक्टर है, दोनों में एलियंस कंपनी की एलईडी लगाई हुई है। और इसका थ्रोबैक में नाइट का विजन आपको मैं साइड में क्लिप में दिख रहा होगा और मैं इसमें डाल दूंगा। देख लीजिए फ्रंट से कुछ इसका लुक अलग ही आ रहा है, देख लीजिए। अब साइड के लुक में बारे में बात करते हैं कि साइड में लुक में भाई ने क्या क्या कराया हुआ है। सबसे पहले जो अट्रैक्शन देती है कार की वो है साइड के मैगविल, दूसरा मैगविल है। और भाई ने पहला मैगविल ऐसे ही कुछ डबल रिम का आता है, ऐसे ही स्टार वाला है लेकिन डबल रिम का आता है, वो भाई ने लगाया हुआ था और वो रेड कलर में था और ये ब्लैक और सिल्वर फिनिश में है। उसका भी मैंने पहला भाई ने जो अलॉय लगवाया है उसका भी मैं फोटो आपको साइड में डाल दूंगा। तो कितने इंच का टायर है और कितने इंच का लो ये वो हम देख लेते हैं जरा सा। ये 16 इंच का टायर है और आपको दिख रहा होगा कि मेरे को पता नहीं, हाँ दिख रहा है, 95/60 इसका टायर साइज है और 16 इंच के ये अलॉय है। देख लीजिए इसका लुक ऐसा कुछ आता है, भाई ने इंस्टाग्राम में अच्छी अच्छी रील भी डाली हुई है, वो भी मैं आपको इसका साइड में क्लिप दिखा दूंगा। और भाई ने डोर गार्ड भी लगाए हुए है, देख लीजिए यहाँ पे डोर गार्ड है। ये इसका प्रैक्टिकल यूज तो मेरे को तो लगता है कि इसका प्रैक्टिकल यूज बहुत ही अच्छा होगा। और भाई के शीशे टिंट है थोड़े से मतलब 50% जो आता है वो वाला टिंट है शीशा, और ब्लैक नहीं है ये, थोड़ा ग्रीन टाइप में है। भाई की रूफ भी ब्लैक है देख लीजिए, और भाई की नेक्सॉन में सनरूफ भी है, वो भी मैं आपको आगे आगे दिखा दूंगा सनरूफ में क्या क्या है। और पीछे के बारे में बात करते हैं तो पीछे में भाई ने क्या क्या कराए हुए, पहले तो देख लीजिए भाई में राम का साइन है, जय श्री राम कमेंट में लिख दीजिएगा गाइस। तो इसकी टेल लाइट में भाई ने ये फिल्म चढ़ाई हुई है और इसका लुक बहुत ही बेहतरीन आता है, देख लीजिए। और यहाँ पे देख लीजिए भाई की निकल गई है, देख लीजिए दोनों में कितना फर्क आता है, बहुत ही लुक चेंज हो जाता है थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कराने से। यहाँ पे देख लीजिए भाई ने रिफ्लेक्टर भी लगाए हुए है, इसका प्रैक्टिकल यूज भी है और ये इंडिकेटर के साथ जलते है वो भी है, इसमें बहुत ही अच्छा लुक आता है। अभी धूप है इसीलिए आपको दिख नहीं रही होगी। यहाँ पे देख लीजिए भाई के यहाँ पे रेप भी निकल गया है, ये छत ब्लैक कराई हुई थी ना वहां से निकल चुका है और ये हम फिर कराने वाले है। अब बात करते है गाड़ी के इंटीरियर के बारे में, ये बात हो गई एक्सटीरियर के बारे में। अब इंटीरियर में आपने भाई ने क्या क्या कराया हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलो बात करते हैं इसके इंटीरियर के बारे में, भाई ने इंटीरियर में क्या कराया हुआ है। पहले तो देख लीजिए यहाँ पे सब चारे डोर में डैम्पिंग हुई है और डिक्की में भी डैम्पिंग की गई है। और इसके सीट कवर आप देख लीजिए क्या कलर है, देख लीजिए रेड कलर है, ब्लैक के साथ रेड कलर। वो बोलते हैं हमारे गुजरात में सदाबहार वर्ड है, सदाबहार, इसीलिए इसका मतलब होता है कि सदाबहार का मतलब है कि क्या मैं आपको हिंदी में बताऊँ कि जो चीज़ चलती ही जा रही है, कभी ख़त्म ही नहीं हो रही, उसका ट्रेंड कभी भी ख़त्म नहीं हो रहा, वो चीज़ को हम सदाबहार बोलते हैं। देख लीजिए रेड और ब्लैक मिक्सर सदाबहार है और ये प्रॉपर तो रेड कलर नहीं है लेकिन ये रेड का ही वो टोन है। देख लीजिए हमारा बैग यहाँ पे सामान पड़ा हुआ है और ये देख लीजिए हमारे गुजरात में ऐसे सोने की चीज़ पड़ी रहती है। देख लीजिए महादेव है हमारे यहाँ और ये कुछ फिलोरसा है
और देख लीजिए यहाँ पे भाई कार में सनरूफ भी है दी गई है, देख लीजिए सनरूफ का प्रैक्टिकल यूज नहीं है, इसमें से कौन निकलेगा मेरे को तो पता नहीं है, भाई के घर में कोई छोटे बच्चे हो गए तो वो निकलते हो गए। तो भाई ने यहाँ पे ये वाली डिस्प्ले भी नखाई हुई है, कंपनी तो कई कस मेरे को नहीं, इसमें कोई ब्रांडिंग है नहीं, देख लीजिए ये कुछ है ऐसी। और भाई का साउंड सिस्टम बढ़िया है वो मेरे को पता है, भाई ने बहुत ही अच्छा साउंड सिस्टम जब भाई ने ली थी तब भाई ने 6 स्पीकर डलवाए हुए थे और भाई ने भाई को अब ऊपर भी डलवाया हुआ है, तो मैं आपको वो साउंड सिस्टम भी दिखा देता हूँ। पहले मैं पीछे को दिखा देता हूँ भाई ने कौन सा एम्पलीफायर वो सब डलवाया हुआ है, वो देख लीजिए ये सोनी का 2 चैनल और 4 चैनल भाई ने डलवाया हुआ है, देख लीजिए कुछ ऐसा एम्पलीफायर का आता है। और इसकी देख लीजिए क्लीन एंड नीट इसकी वायरिंग की गई है, ये कुछ देख लीजिए यहाँ पे भी एक्सप्लोड का है 500 वोल्ट का, मतलब 2 चैनल है ये लगभग मेरे ख्याल से, 2 चैनल ही है। तो मैं आपको एनसीएस का गाना सुना के दिखा देता हूँ कि एनसीएस का गाना कैसा इसमें साउंड का आउटपुट है और पूरा मैं कितना भाई ने सेटअप बिठाया हुआ है इस तरह कितना आउटपुट निकल के आता है। तो चलिए सुनते है एनसीएस का गाना। तो ऐसा कुछ यहाँ पे हमारा जो साउंड सिस्टम का आउटपुट है वो ऐसा कुछ निकल के आया है। और आप जब भी सुने ये आउटपुट तो मेरी एक विनती है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हैंड फ्री लगा के सुने, आपको बहुत ही अच्छा आउटपुट मिलेगा। भाई डोर में डैम्पिंग की गई है और भाई ने डिक्की में भी डैम्पिंग की गई है क्योंकि बजता बोटा की कार है इसीलिए। तो कोई बात नहीं, भाई ने सब कुछ सेट कराया हुआ था और सब कुछ सेटअप बहुत ही अच्छा हुआ था, नीट एंड क्लीन आपने देख लिया होगा, 2 चैनल और 4 चैनल एम्पलीफायर वायरिंग बायरिंग सब कुछ भाई ने डन किया गया है। कार पे भाई ने कितना पैसा लगा दिया है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो आपने अंदर से कार देख ली, साउंड सिस्टम सुन ली, मैंने आपको बता दिया कि कौन सी भाई ने मॉडिफिकेशन कराई हुई है और क्या क्या खर्चा आया है वो खर्चे के बारे में बात करते हैं। भाई को एप्रोक्स गाड़ी लिए मतलब 2 या 3 साल तो हो ही गए हैं, 2 या 3 साल में 2 लाख रुपए इस मॉडिफिकेशन के ऊपर डाल दिए हैं क्योंकि भाई का ये वाला मैग्विल भाई ने चेंज कराया हुआ है इसीलिए 2 लाख हो गए। मतलब इतनी मॉडिफिकेशन कराने को आपके लिए 60-70 हजार रुपये आपके पास हो तो आप ये मॉडिफिकेशन करा सकते हैं। और जब मॉडिफिकेशन की बात आती है तो पैसों में कहाँ देखा जाता है, मॉडिफिकेशन का जिनको शौक होता है वो पैसों पे नहीं देखा जा सकता। और देख लीजिए ये कार भाई ने ली है और कितना मॉडिफिकेशन कराया गया है और मेरे को पर्सनली बहुत ही अच्छी, क्योंकि भाई ने जो मॉडिफिकेशन कराई है वो मैंने अभी तक राजकोट में, ये वीडियो हम राजकोट गुजरात से शूट कर रहे हैं, राजकोट गुजरात से शूट हो रही है और यहाँ पे इतना ट्रेन नहीं है, फिर भी भाई ने देख लीजिए ग्रिल बिल सब चेंज कराया हुआ है और जब दिल्ली वाली है वही बात ही है। राजकोट में अभी इतना ट्रेंड आ रहा है, हमने किया सेल्टोस की वीडियो भी डाली हुई है और उस वीडियो में तो हमने बहुत ही सारी 8 लाख की भाई ने मेरे भाई ने मॉडिफिकेशन करा रखी थी वो मैंने डाली हुई है और एग्जॉस्ट सब कुछ चेंज हुआ था उस वीडियो में, तो वो सब वीडियो हमने डाली हुई है और उसके मुकाबले ये तो इतनी तो नहीं है लेकिन ट्रेंड मतलब ट्रेंड आ रहा है यहाँ पे मॉडिफिकेशन का। तो देख लीजिए इसका लुक कुछ ऐसे निकल के आया है। आपको इस वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब करना मत भूलना, आपके दोस्तों से भी शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए, इंस्टा में डाल दीजिए, कहीं पर भी आपको मजा डाले वहाँ पर डाल दीजिए, बस इस वीडियो को फैला दीजिएगा। थैंक यू सो मच।